नमस्कार, मैं अंजलि चौहान आपके साथ समाचार एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बात करें चमकी बुखार की, तो हिंदी में चमकी बुखार कह लीजिए या फिर अंग्रेजी में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, दोनों का एक ही मतलब है मौत। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इन दिनों ये चमकी बुखार कहर बरपा रहा है। रोज बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी का सबसे ज्यादा कहर सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिहा और वैशाली जिले में है। चूंकि इन जिलों में अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सभी इलाज के लिए मुजफ्फरपुर की तरफ ही भाग रहे हैं। हालत ये है कि मुजफ्फरपुर के SKMCH यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर बच्चे इन्हीं जिलों के हैं। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चमकी बुखार से अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 69 हो गया है, जिसमें कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 58 और केजरीवाल अस्पताल में 11 बच्चों की मौत हुई है। अब आपको ये बीमारी क्या है, इस बारे में आपको बता देते हैं किस तरह से हमें ये अपनी चपेट में लेती है और क्या कुछ इसके लक्षण हैं और किस तरह से बचाव किया जा सकता है। चमकी एक वायरल बीमारी है, ये मच्छरों के काटने से होती है। ज्यादा नमी और गर्मी के मौसम से बीमारी फैलती है। अप्रैल से नवंबर के बीच ये बीमारी बढ़ती है। 1 से 15 साल के बच्चे पर ये बीमारी ज्यादा असर करती है। सर दर्द और तेज बुखार आना इसका मुख्य लक्षण है। तेज बुखार, उल्टी दर्द, बच्चे का बेहोश हो जाना, हाथ पैर में थरथराहट होना, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मारना, हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चे का शारीरिक संतुलन ठीक ना होना। चमकी बुखार से अब तक 69 बच्चों की मौत हो चुकी है। चमकी से बचाव के उपाय, मरीज को करवट या पेट के बल लेटने दें, सिर के कपड़े ढीले कर दें, कूलर में बच्चों को आराम करने दें, बच्चों को जूठे व सड़े हुए फल ना खाने दें, बच्चों को उन जगहों पर ना जाने दें जहां सुअर रहते हैं, खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ जरूर धुलवाएं, पीने का पानी स्वच्छ रखें, बच्चों के नाखून ना भरने दें, गंदगी भरे इलाकों में ना जाएं, बच्चों को सिर्फ हेल्दी खाना ही खिलाएं, रात के खाने के बाद हल्का फुल्का मीठा खिलाएं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में तरल पदार्थ देते रहें ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। चमकी बुखार के कहर के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में फैली इस बीमारी से हो रही बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। बरसात से पहले ये बीमारी हर साल बिहार में कहर बरपाती है, इसकी पूरी जाँच की जा रही है।